फ्लाइट मूवी रिव्यू। फिल्म की शुरुआत एक विमान हादसे से होती है, इसमें 70 लोगों की जान गई है, जांच चल रही है। रणवीर मल्होत्रा, मोहित चड्डा आदित्य राज एविएशन कंपनी के मालिक हैं। पता चलता है कि हादसा विमान में खराबी के कारण हुई थी। रणवीर अपनी कंपनी में मौजूद भ्रष्ट लोगों की घोटालों का पर्दाफाश करना चाहता है, लेकिन एक साजिश रची जाती है। रणवीर को प्राइवेट जेट से दुबई जाना है, उसका विमान हवा में ही गायब हो जाता है। विमान में जब रणवीर की नींद खुलती है तो पता चलता है कि क्रू मेंबर और पायलट को मार दिया गया है। विमान ऊपर आसमान में है और ऑटो पायलट मोड पे है। कहानी आगे रणवीर के विमान में स्ट्रगल और हीरोइज्म के साथ सुरक्षित वापस लौटने की है। फ्लाइट फिल्म की शुरुआत एविएशन इंडस्ट्री में होने वाले संभावित घोटालों से होती है। कमाई के लिए मासूम लोगों की जान की परवाह नहीं करना आपको कुरेदता है, लेकिन फिल्म इस विषय को सिर्फ छूकर आगे बढ़ जाती है। फिल्म एक्शन थ्रिलर है और जब कहानी आगे बढ़ती है तो यह आपको बांधती है। फ्लाइट पूरी तरह से मोहित चड्डा के इर्द गिर्द है, उन्हें सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मिला है। ऐसे में जी सिने स्टार्स की खोज से निकलकर आए एक एक्टर के पास करने को बहुत कुछ है। उनका किरदार रणवीर मल्होत्रा अमीर है, उसके महंगे शौक हैं, प्राइवेट जेट है, महंगी शराब है, बड़ा घर है। यह किरदार आपको प्रभावित करता है, लेकिन फिल्म की शुरुआत ही इन बातों पर इतना जोर दिया गया है कि आप एक समय के बाद उठ जाते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, रोमांच जगता है, लेकिन मोहित चड्डा कई बार जरूरत से ज्यादा लाउड होते हैं। रणवीर मल्होत्रा का किरदार हिंदी फिल्मों में खासकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से बहुत प्रेरित है। यह बात उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्सप्रेशन और यहाँ तक की आवाज में भी झलकती है। वह हर बात पर मजाक करता है, यहाँ तक कि जब उसे यह एहसास होता है कि फ्लाइट में अकेला है तो उसकी जान को खतरा है, तब भी इसी अंदाज में रहता है। एक बिना पायलट वाले फ्लाइट में अकेले फंसे इंसान के लिए जूझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रणवीर मल्होत्रा का किरदार उस संघर्ष की बजाय हंसी मजाक में ज्यादा समय बीतता है। मोहित चड्डा के अलावा फिल्म में पवन मल्होत्रा, जाहिर हुसैन और विवेक वासवानी जैसे मजे हुए कलाकार भी हैं। उन्हें कहानी में जितनी जगह दी गई है उन्होंने उतना न्याय किया है। शिवानी बेदी भी अपने छोटे से रोल में जचती हैं। फिल्म की कहानी में दर्शकों को बांधने का दम है, रोमांच है और यही इनकी जान भी है। शुरुआती आधे घंटे की फिल्म थोड़ी स्लो लगती है, लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद बताओ दर्शक आप बन जाते हैं। मोहित चड्डा के कंधों पर इसकी पूरी फिल्म का भार है, वह इसे बहुत हद तक निभाते भी हैं, लेकिन कई बार यह महसूस होता है कि एडिटिंग टेबल पर थोड़ी सी मेहनत की जा सकती थी, स्क्रीन प्ले और चुस्त बनाया जा सकता था। फिल्म के अंत में सस्पेंस छोड़ दी जाती है, जो असल में फ्लाइट 2 की तैयारी है। तो देखिए फ्लाइट और बताइए कैसी लगी आपको। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।